हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मेस एमपीएस क्लासेस। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं चर्सन टैग्स, जो अन्य सेंटेंस से क्या है डिफरेंट होता है। जैसे असर्टिव है, नेगेटिव, इंपरेटिव, इन सबसे डिफरेंट। जब भी हम किसी चीज को पूछते हैं किसी से और हम श्योर नहीं होते हैं, और अक्सर बोलचाल की भाषा में हम क्वेश्चन टैग्स का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप घर पे पढ़ते हो ना, तो आप घर पे पढ़ते हो, दैट्स अ कंप्लीट सेंस, इट्स अ असर्टिव सेंटेंस। लेकिन जैसे आपने कहा आप घर पे पढ़ते हो ना, जो नौ शब्द है ये हो गया क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाएं और कैसे इसको आसानी से समझें, चलिए जा रहे हैं, लेट्स गो। सबसे पहले क्वेश्चन टैग्स का डेफिनेशन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट एडिशन टू सेंटेंसेस ask for confirmation of something and we are not sure about or to ask for agreement, yani kah sakte hain simple shabdon mein hum kisi cheez se sure nahi hain, uski sure janne ke liye yes ya no ka confirmation lene ke liye hum question tag ka upyog karte hain। jaise question tag ke liye hame contracted forms aana chahiye, sankshipt form aana chahiye, jaise do not ka don't, does not ka doesn't, did not का didn't, is not का isn't, are not का aren't, has not का hasn't, ऐसे have not का haven't, had not का hadn't, was not का wasn't, were not का weren't, ऐसे am not का aren't, ये आपको learn करना होगा। अब एग्जाम में या कैसे क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यू टेक टी, अपने आप में एक कंप्लीट सेंस है। इसका मतलब है कि आप चाय लेते हैं। अगर आप ऐसे करना हो कि आप चाय लेते हो ना, आप चाय पीते हो ना, यानी हमें श्योरिटी लेना है, पूछना है, तब हम लिखेंगे डोंट यू। यानी ये जो डोंट यू है ये क्वेश्चन टैग्स है। अब कैसे, मैंने यहाँ पे डोंट यू लिख दिया, जो टेंस है या जिस प्रकार का टेंस है वैसे ही हेल्पिंग वर्ब निकलेगा, साथ साथ में उसका निगेटिव हेल्पिंग वर्ब होगा। यानी अगर यू डिक्टी है, परसेंट इंडेफिनिट है, तो परसेंट इंडेफिनिट में या तो डू नॉट आता है या डज नॉट आता है। तो सिंगुलर के लिए हम लोग डज नॉट लगाते हैं एंड प्लुरल के लिए डोंट नॉट लगाते हैं। तो यू को प्लुरल मानते हैं, इसलिए आप लिखते हैं डोंट यू। ये हो गया क्वेश्चन टैग। एक और एग्जांपल लेते हैं, यू रीड, आप पढ़ते हो। अब इसमें और एडिशनल मुझे बोलना है, आप पढ़ते हो ना, तो हमें लिखना क्या है यहाँ पे, डोंट यू क्वेश्चन मार्क। अदर एग्जांपल, ही रीड्स, वो पढ़ता है। अगर मैं क्वेश्चन टैग्स बनाना है, वो पढ़ता है ना, तो आप लिखेंगे डजंट ही। ये हमें ध्यान देना है, यदि जो ये सेंटेंस है यानी क्वेश्चन टैग, अगर ये अफर्मेटिव है तो इधर क्वेश्चन टैग्स निगेटिव हो जाएगा, अगर यदि इधर निगेटिव है तो उधर अफर्मेटिव हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो You do not tell a lie। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निगेटिव आया है, तो क्वेश्चन टैग्स अफर्मेटिव हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे do you। तो ऐसे क्वेश्चन टैग्स बनाया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।